है गाइस, वेलकम टू 5 मिनट स्टॉक एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम 5 मिनट के अंदर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज़ करके पूरा एनालिसिस करते हैं और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइस यार, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। सो हम आ चुके हैं गति के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर हमारा एक काफ़ी शानदार ट्रेड बनने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आप इस ट्रेड को पूरा समझ पाएंगे, इस पूरे स्टॉक की साइकोलॉजी को समझ पाएंगे, लोगों की साइकोलॉजी को समझ पाएंगे और आप इजी वे में इस स्टॉक में ट्रेड करके पैसा कमा पाएंगे। ओके, सो मैंने अब इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया और यहाँ पर देख सकते हो कि हम अगर इसके प्राइस एक्शन की बात करें तो देख सकते हो जब पहली बार इसमें आईपीओ लिस्ट हुआ था उसके बाद से देख सकते हो प्राइस ने थोड़ा सा हाई रही बनाया था 185-190 के आसपास, 200 के आसपास हिट करने के बाद हमको कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में रहा, फिर अचानक से हमको एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिला 2015 के आसपास, फिर उसके बाद से कंटिन्यूसली जो ही एक लो बनाते जा रहा और फिर रिसेंट में हमको देखे 2020 के बाद से ये जो है कंटिन्यूसली हाई रही बना रहा, एक शानदार रैली होती हुई हमको नजर आ रही, राइट। सो अब हम इसमें अगर ट्रेडिंग लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल को मैं मार्क कर देता हूं। यहां पर देख सकते हो जो पहली बार जब इसने ऑल टाइम हाई लगाया था उसमें जो लास्ट मंथली क्लोजिंग थी वहां पर मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा। ये देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है 185 का, आप यहां पर देख सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट बार जब इसने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दी थी। इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर दोनों टाइम फ्रेम पर यही लेवल था इसका क्लोजिंग का, इसके बाद इसने क्लोजिंग नहीं दी थी उसके ऊपर, ठीक है। तो काफी क्रूशियल लेवल है, तो यहां पर मैं एक रेड एरो से ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं। उसके बाद देख सकते हो फाइनली इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला था 185 के ऊपर, एक शानदार रैली होती हुई नजर आई, कुछ टाइम तक रैली हुई, फिर अगेन हमको इसमें सेलिंग देखने को मिली और काफ़ी लॉन्ग टाइप इसमें सेलिंग देखने को मिली। फिर लास्ट टाइम देख सकते हो यहाँ पर जब ऊपर से सेलिंग हमको देखने को मिली, यहाँ से देख सकते हो सेलिंग आई, फिर दोबारा जब प्राइस इसी लेवल को टेस्ट करने आई तो एक बार हिट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और अगेन हिट किया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। तो आप देख सकते हो काफ़ी क्रूशियल लेवल ये है, राइट, मतलब कि 185 का लेवल जो काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि दो बार यहाँ पर पहले भी हिट कर चुकी है प्राइस, 2 से 3 बार, और हर बार इसने रिजेक्शन फेस किया। और रिसेंट में अगर मैं इस पैटर्न की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो एक कप एंड हैंडल पैटर्न हमको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर कुछ इस टाइप का पैटर्न यहाँ पर बनेगा, राइट, कुछ इस टाइप का पैटर्न हमको बाद में इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल हमको एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, यहाँ पर देख सकते हो 185 का काफ़ी क्रूशियल लेवल है, क्योंकि मैंने इसको अभी आपको दिखाया है। और यहाँ पर देख सकते हो अगेन प्राइस ने रिसेंट में यहाँ पर हिट किया और एक छोटा कप एंड हैंडल हमको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ तक तो कप बन गया, फिर नीचे जब प्राइस आई, थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो कुछ परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ से हमको बनता हुआ नजर आया, कुछ इस टाइप की ड्राइंग चल रही है, जहाँ पर इसने एक बार 185 को हिट किया, फिर अगेन वहाँ से थोड़ी सेलिंग देखने को मिली, फिर उसके बाद से प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते जा रही है और इसने 185 के ऊपर फाइनली क्लोजिंग दे दी। तो काफ़ी क्रूशियल लेवल को इसने क्लोजिंग दी। अब मैं इसके अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ छोटे टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर हमारा काफ़ी शानदार एक ट्रेड बनने वाला है। सो मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये एक्चुअली ये लेवल था वो 185 को हिट किया। सो अगर रिसेंट में अगर हम इसके ट्रेडिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो फाइनली इसने अगेन यहाँ पर हिट किया था और यहीं से हमको सेलिंग देखने को मिली थी और फाइनली इसने 185 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। सो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को समझोगे तो यहाँ पर देख सकते हो प्राइस हायर हाई बना रही है और यहाँ पर देख सकते हो फाइनली 185 के ऊपर इसने ब्रेकआउट लिया और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रेकआउट लेने के बाद दोबारा इसी 185 के लेवल को रीटेस्ट किया इसने, रीटेस्ट करने के बाद अगेन प्राइस बुलिश हमको देखने को मिल रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास में सपोर्ट लेने के बाद रीटेस्ट करने के बाद प्राइस बुलिश मोमेंटम दे रही, तो काफ़ी शानदार हमारा ट्रेड होगा, काफ़ी ईजी ट्रेड होगा और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेड हमारे लिए बनने वाला है, क्योंकि काफ़ी सेफ एंड सिक्योर ट्रेड हमको यह दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हो सिंपली अगर मैं इसमें अपने एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट की बात करूँ तो आपकी एंट्री करंट प्राइस के आसपास हो सकती है, क्योंकि अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं ली तो अभी लोगे डेफिनेटली। और हमारा जो सिंपली स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी कि 180 या फिर 181 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ से। और टारगेट सिंपली आपका मैं बताऊँगा काफ़ी बड़ा टारगेट होगा, एक पोजिशनल ट्रेड आप इसको बना सकती हो और काफ़ी शानदार एक स्विंग ट्रेड है और यही एक पोजिशनल ट्रेड बनेगा। और देखो कुछ चीज़ें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको नोटिस करना है, यहाँ पर देख सकते हो जब इसने ब्रेकआउट लिया 185 के ऊपर, ये जो कैंडल दिख रही है बिग ग्रीन कैंडल, मैं थोड़ा सा एरोस दिखाऊं,
ये वाली जो आपको कैंडल दिख रही है, इस कैंडल का अगर वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी हेवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। और उसके बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो बीच में इसमें रीटेस्ट के लिए प्राइस है, ये जो आपको बीच में कैंडल्स आपको दिख रही है, छोटी छोटी रेड कैंडल्स आपको दिखनी आई जो 185 को वापस रीटेस्ट करने आई, तब आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम न के बराबर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। बीच में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। फिर अगेन जब प्राइस ऊपर जा रही है, अब अभी रिसेंट में देखो एक बिग ग्रीन कैंडल हमको अगेन देखने को मिली है यहाँ पर, ये देख सकते हो ये वाली ग्रीन कैंडल बड़ी वाली, तो अगर इसका वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती हुई हमको नजर आ रही है। तो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर हमारे लिए ट्रेड होगा, काफ़ी अच्छा ट्रेड हमारे लिए बनने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे में एक ग्रीन एरो भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और फाइनली इसने सपोर्ट लेकर बुलिश मोमेंटम दे दिया है। और यहाँ पर हमारी एंट्री ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है, हमारा ये ट्रेड थोड़ा लंबा चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा ट्रेड है, काफ़ी टाइम बाद एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिला तो काफ़ी अच्छी रैली होगी। आप इसमें प्लीज स्विंग ट्रेड की तरह ना ले इसको, थोड़ा सा आप इसको पोजिशनल बनाएं, थोड़ा सा लंबा इसको खींचे, यानी कि 2 से 3 महीने तक अगर ये ट्रेड चले तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें रैली काफ़ी अच्छी होने वाली है। क्योंकि देख सकते हो कि कंटिन्यूसली प्राइस बुलिश मोमेंटम में एक कंटिन्यूसली हायर हाई बना रही है। यहाँ पर देख सकते हो प्राइस हमेशा इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद रिसेंटली प्राइस काफ़ी अच्छे तरीके से मूव कर रही ऊपर की तरफ, तो काफ़ी स्पीड में हमको इसमें फ्रेश बाइंग होती हुई नजर आ रही है और काफ़ी स्पीड में हमको इसमें रैली देखने को मिलेगी। आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, काफ़ी कम टाइम में आपका जो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको ये बना के देने वाला है। सो अब हम इसके टारगेट लेवल्स की थोड़ी मैं बात कर लूँ। सो मैंने वापस अगेन वीकली टाइम फ्रेम लगाया, वीकली टाइम फ्रेम पर हम इसमें टारगेट लेवल्स को सेट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट लेवल होना चाहिए डेफिनेटली ये होगा, यानी कि 240 का हमारा फर्स्ट टारगेट लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता 240 का तो फिर अगेन हमारा टारगेट लेवल इसका ऑल टाइम हाई के आसपास होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर बीच में हमको लंबी विक दिख रही तो हम विक को कंसिडर नहीं करेंगे, लास्ट की क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करेंगे, टॉप पर जो क्लोजिंग प्राइस है उसको कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो हमारी लास्ट जो टारगेट होगा वो होगा 284, यानी कि 290 के आसपास या 280 से 290 के आसपास हमारा टारगेट लेवल होना चाहिए। तो देख सकते हो कितना शानदार टारगेट लेवल हमारा ये बन के आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि काफ़ी कम टाइम में आपको ये अचीव होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली एक बुलिश मोमेंटम में दिख रही है। इसकी जो ऊपर जाने की स्पीड है काफ़ी अच्छी है, एक ऑलमोस्ट 90 डिग्री स्पीड में ये जाने वाला है ऊपर की तरफ। सो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का पैटर्न हमको इसमें देखने को मिल सकता है। मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन आपको दिखा दूँ, देख सकते हो प्राइस कंटिन्यूसली हायर आई नीचे बना रही है और कुछ इस टाइप की रैली यहाँ पर सबसे पहले इस 240 के लेवल को हिट करेगी, फिर थोड़ा रिट्रेस हो सकता है, उसके बाद अगेन शानदार रैली होगी, फिर ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक करती तो उसके बाद अगेन हमको एक बहुत शानदार रैली इसमें देखने को मिलने वाली। आई होप कि पूरा एनालिसिस आपको समझ में आए, काफ़ी सिंपल कप एंड हैंडल पैटर्न वाला एनालिसिस है और काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी जल्दी आपको ये रिटर्न बना के देता है। लेकिन आपको इसमें थोड़े से प्रॉफिट के लिए इसमें एंट्री नहीं लेना है, कुछ थोड़ा सा लॉन्ग अगर आप इसमें जाओगे, थोड़ा सा लंबा प्रॉफिट के लिए देखोगे तो काफ़ी अच्छी रैली हमको इसमें देखने को मिलेगी, काफ़ी शानदार प्रॉफिट हमारा बनेगा। आई होप कि पूरा एनालिसिस आपको समझ में आए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे लेटेस्ट लॉजिकल ट्रेडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को टाइम पर देख रहे हो तो इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करो। अगर आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आपका कोई प्रॉफिट नहीं है। सो गाइस यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे स्टॉक के साथ।